वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अब और गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड ये धूप के साथ, सूर्य भगवान के साथ आपकी गुड आफ्टरनून, यानी कि हमारी भी गुड आफ्टरनून। अभी बस हम नहाए हैं, सारा काम फिनिश किया। आज मेरे को बाथरूम वगैरह और सब क्लीनिंग करनी थी, कपड़े वॉश करने थे, धूप निकल आई तो फिर सारे घर में सब क्लीनिंग व्लीनिंग करी है अपने रूम में। और एनी क्या मस्ती चल रही है, एनी को सिर्फ सुलाया, मेरे को 10 मिनट हुआ था और ये जाग गई, तब तक कोई आ गया था। तो इस चक्कर में ये लड़की बिल्कुल नहीं सोई, 1% नहीं सोई है, तो इरिटेट हो रही है। तो छत पे मैंने, आप लोगों ने तो देखे होंगे, इतने सारे कपड़े वॉश करके डाल दिया, पता नहीं क्या हो रखा था। मेरी मशीन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कपड़े सूखे ही नहीं, बट धूप निकल आई ना तो सारे छत पे एनू के ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो सब एडजस्ट करने ऐसे ही डालना पड़ता है। देसी जुगाड़ है भाई, सब ऐसे किया जाता है। धूप निकल आई है तो मैंने भी आज हेयर वॉश किया था, बाथरूम वगैरह क्लीन किया तो हेयर वॉश तो करना ही था, ऑयलिंग करी थी। सो बस ये मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी मैंने एक ब्लॉग अपडेट किया है, वो 3 दिन से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा था, तो फिर मैंने दूसरे कैमरे से स्टार्ट किया, उस वाले कैमरे में बड़ा फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर इससे किया है, बस स्टार्टिंग कर दी है फिर से। बस वही ब्लॉग अगर स्टार्ट कर दो ना, फिर शुरू बात अगर हो जाती है ना, तो फिर वो काम धीमे धीमे होता रहता है, अगर ना करो तो फिर लेट होता रहता। ये देखो महारानी साहिबा हमारी कैसे देख रही है हमको। मामा मामा हाय कर दो सबको, हेलो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नहीं करोगी? अच्छा मामा को प्यारी कर दो, मामा को प्यारी नहीं करोगी? पता नहीं क्या हो रहा है, मैं एकदम से कपड़े फैला दिए, खेल रही थी, खेलने के चक्कर में एकदम से मुंह के बल गिरी ना, अभी बैलेंस नहीं बना पाती ना, इतनी तेज बेचारी को लग गई है ना, मैं तो भड़बड़ा आ गई। घर में कोई है भी नहीं, देखो ऑंठों में लगा बेचारी, अब छोटा बच्चा कुछ बोल नहीं सकता। देखे बेटू कहाँ लगा है, दिखा, इतना खून निकला, इतना निकला इसके, ये देखो मैया खोलो, आ करो, देखो मुंह में पूरा खून ही खून इसके भरा है। देखो बेटू इधर 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 लगा, इधर देखा देखा, ये देखो लगा इसके, देखा आप लोगों को, देखे बेटू कहाँ लगा है, दिखा तो मम्मा को, ए हाँ देखे, देखो आप लोग देखो, ये दिखा, ये देखो कितना तेज इसके लग गया है। अभी हमने इसमें सरसों का तेल लगा दिया ना, सरसों का तेल से जल्दी आराम मिल जाता है। बस अब जब टाइम मिलेगा तभी ब्लॉग बनाएंगे, अब इसी के साथ रहेंगे। चलो चलो सुला दिया, बहुत ही मुश्किल से सोई, इरिटेट हो रही थी और वो जाग गई थी ना, तो ये देखो बड़े आराम से मैंने इसको यहाँ पे लिटा दिया। बहुत ज़्यादा यार परेशान हो रही थी, वही होता है हम लोग कितना भी ख्याल रखने, लेकिन वही जी जान लगा देते हैं बच्चों का ख्याल रखने में, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, कितना भी हम लोग देख रेख कर लें लेकिन बच्चे इस टाइम ऐसे मतलब उस पर होते हैं कि कहीं कुछ ना कुछ करके आ ही जाते, कितना भी हम उनको संभाले, कितना भी देखे। मेरे सामने देखते देखते वो चल रही थी, चलते चलते एकदम से नीचे की ओर गिरी, तो ऐसे अंदर की ओर उसके लग गया, मेरे को देख के तो बहुत गंदा लगा। तो वही है ना, कितना भी बच्चों पे ध्यान दे ले हम लोग, कुछ भी कर ले, लेकिन उनको जरा सी चोट लगती लगती तो है बेचारे, इतना बच्चा है तो नहीं समझ पाया, वो रोग आके आराम से सो गया। आप लोग सोच रहे हो मैं रेडी हो गई, हाँ शाम का टाइम है तो मैं हल्की सी रेडी हो गया, बता देती हूँ अभी मुझे कहीं जाना है तो मैं वहीं जाने के लिए रेडी हुई हूँ। अभी आप लोग को पता चलेगा मुझे कहाँ जाना है,
ठीक है, जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। एनी शो गए तो तब तक सोच रही हूँ चाय बना लूँ, जाके चाय वाय पी लूँ, फिर उसके बाद कहीं निकलो। सो गाइज, हम अभी आ गए हैं चाय बना के, और अभी फिलहाल मैं चाय वाय बना दी। नीचे मैं नहीं बैठी थी, एक्चुअली रोशनी का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उस वाले कैमरे से ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन उसमें एडिटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। तो चाय वाय बना दी है, हम तो अपनी चाय वगैरह लेके आ गए हम। ये देखो चाय कितनी सारी है, अच्छी बनी है, खूब सारी अदरक और गुड़ वगैरह गुड़ डाल के बनाई है, अच्छी बनी हुई है। सो बस अभी बैठी हूँ, अभी बजा है 5:30, और अभी आया है मेरे पास, देखो कौन आया, नैतिक आया। हेलो करो सबसे, हेलो, हाय, हाय हाय। तो ये बताया भाभी आपने मेरे में क्या नाम वीडियो भेजा, मैंने कहा नहीं वीडियो भेजा नहीं है, वो नोटिफिकेशन पहुंचता है ना, इसको इतना तो पता नहीं है, तो नोटिफिकेशन पहुंचा तुरंत से मुझे बताने आया घर से, मेरी मम्मी के पास आया फोन में वीडियो। मैंने कहा अच्छा, तो बस अभी बैठे हैं, चाय वाय पी लें फिर निकलेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा अंधेरा हो जाए, सारे काम वाम निपटाएंगे। आज है, आज सोच रही हूँ, आज फ्राइडे है और सोमवार को सकट है, तो सकट जिसके यहाँ होता है वो जानते हैं, तिल का बकरा वगैरह काटा जाता है, लड्डू बनते हैं, तो क्या नाम आज ही हम तिल मतलब चटका के रख देते हैं, बोलते हैं अच्छे दिन में तिल को चटका के रख दो, तो वही आज मैं करूँगी, किचन में रखा हूँ जिससे कि मैं याद ना भूलूँ, मेरे को याद बना रहे हैं ना कि कल सैटरडे या संडे, फिर मंडे में ऐसा नहीं, तो आज ही मैं चटका के रख दूंगी। तो चलो चाय पी लेती हूँ। ओके देती हूँ क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली हम ना अभी जा रहे थे, आज है प्रीति का हैप्पी वाला बर्थडे, 10 जनवरी को उसका बर्थडे होता है। मैं सुबह से उसको विश नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उसको सरप्राइज देना चाह रही थी, मैंने कहा मैं उसको विश नहीं करूंगी, हर बार उसके लिए कुछ ना कुछ करती हूँ, बट पता है हर बार उसको मैं जो गिफ्ट देती हूँ लेट ही देती हूँ, क्योंकि इनके साथ जब हम मार्केट जाते हैं तभी ले पाते हैं, हम दोनों ही मतलब थोड़ा सोच समझ के लेते हैं प्रीति के लिए गिफ्ट, और अभी भी आज हम मार्केट नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी सरप्राइज है वो अभी प्लान करना है, तभी वो पूछे उसके भाई के साथ ही हम मार्केट जाएंगे, अभी जाएंगे जब वो आ जाएगा, लेकिन अभी वो आई एकदम से, अब अगर हम उसको विश नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा तुमने तो मेरा सरप्राइज चौपट कर दिया भाई, तो अभी मेरे लिए लेके आई है, सब लोगों को आज उसने पार्टी वगैरह दी है मोमोज, तो ये देखो मोमोज लेके आई है, और यहाँ पे पैकेट में ये ढोकले वगैरह लेके आई है मेरे मम्मी के लिए, दोनों लोगों के लिए, नीचे बट पापा लेटे थे तो वो चली आई, मेरे को दे गई है, मैं खा लूंगी, फिर मम्मी को के लिए अलग रख देंगे, वो खा लेंगे जब थोड़ी देर बाद हम जाएंगे। हमने कहा तभी तैयार वैयार बैठे, बोल रही बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलेंगे, भाभी आना तुमको दिखाएं, तो हम भी आप लोगों को दिखाएंगे उसको क्या क्या मिला। ओके, तब तक हम खा लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं, है ना। ऐसे लगाया करो मैं फेस पे, नैतिक ने खाया, चिल्ला रहा है कि भाभी मेरे को तो कड़वा लग गया भयंकर वाला, वो चटनी गिर गई है, कोई नहीं चलता है, कभी कभी बच्चे भी बन के रहना चाहिए, हमेशा बूढ़े नहीं बन के रहना चाहिए। हाँ बूढ़े बन के रहिए, देखो चिल्ला रहा है, बहुत ही स्पाइसी, बहुत अच्छा है, मजा आ गया, एक नंबर लग रहा है। खा रहा तो कह रहा कड़वा लग गया मेरे को यार।
अब कल आएगा और खाना है आधा आधा दे रहे अभी। सो ये मैं मम्मी को भिजवा रही हूँ मोमोज और ढोकला, और मैं ये खा रही हूँ ढोकला। ये खाना देती हूँ। अच्छा मजा आ गया। सो हे गाइस, हम लोग का मतलब मोमोज और ढोकला पार्टी हो गया है। नैतिक भी चला गया और मैं यहाँ नीचे आ गई थी। मेरे को समझ में, मैं लोगों इनके भाई का वेट कर रही थी, प्रीतिक भाई का, बट वो लोग नहीं आए। 8 बज गया, 8:30 हो गया। 8:30 के बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो जल्दी जल्दी वही रेडी कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया आप लोग को, थोड़ा बहुत ही दिखाया कि जिससे कि आप लोग को पता चल जाए कि मेरा इवनिंग का रूटीन क्या था। तो यही सब है, मैं बस डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। ये सब करने के बाद ही देखती हूँ कितना टाइम बचना है, कितने बजे ये लोग आते हैं। जैसा भी होगा आप लोगों को मैं बीच बीच में दिखाती रहूँगी। और यहाँ पे मैं गोभी डाल के बस फ्राई कर रही हूँ, गोभी की सब्जी बना रही हूँ बढ़िया मसालेदार। तो आज मैं उतना ही लिमिट में खाना बना रही हूँ, क्योंकि चंद्र ग्रहण पड़ना है ना, तो ज़्यादा खाना नहीं बना सकते, उतना थोड़ा सा ही बना रहे हैं, जितना खा लिया जाए, बचना नहीं है बिल्कुल भी। अरे हाँ दिखाओ ना, हम तो इसकी ले रहे हैं। तू इधर देखो, इधर देखो, जल्दी जल्दी देखो, वो बहुत ध्यान से दिखिया। चलो अंधेरा अंधेरा आ रहा है, थोड़ा इग्नोर मार देना, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम। हम आए हैं प्रीति के यहाँ, प्रीति के यहाँ नीचे बैठे हैं आके, अभी काम धाम निपटा के सारा खाना पीना बना के जस्ट अभी बैठे हैं आके। आज एक्चुअली इसका बर्थडे है और हमको जाना था, लेकिन आज ये लोग लेट आए। अब वही है ना, देखते हैं क्या करना है कल, क्या हम छुट्टी जिस दिन इनकी होती है उसी दिन फिर ले जाते हैं प्रीति को कहीं ना कहीं। हाँ बेटू बेटू, लेकिन हम गिफ्ट देखने चले हैं प्रीति के। हमने कहा गिफ्ट देख ले भाई, क्या क्या मिला है क्या क्या नहीं। रोशनी थोड़ा कम आ रही है, रुको एक मिनट। ये देखिए गाइस, आप लोग प्रीति को मिला है ये ड्रेस। देखो हम सही से दिखा नहीं पा रहे हैं थोड़ा। ये है इसका अंदर का टॉप, टॉप ही बोलते हैं। हाँ ये टॉप है, ऊपर से ये है। थोड़ा प्रीति ऐसे करके दिखा ना, हम तुम्हारा नहीं लेंगे, खाली इसी का लेंगे इसका। हाँ ये देखिए पूरा है, और ये पैंट का है। काफी अच्छा लग रहा है, जो न्यू ड्रेस वैसी चल रही है ना आजकल, उसी टाइप में है ये पैर का, इसका अंदर का। और एक मिला है इसको ये हुडीज, ये देखिए म्याऊं म्याऊं बनी हुई है हुडीज, काफी अच्छा लग रहा है, ग्रे कलर का है तो अच्छा लग रहा है। और एक मिला है इसको ये लॉन्ग वाला स्वेटर, ये भी मेरे को काफी अच्छा लगा, कलर काफी अच्छे हैं। और ये है मैडम के, बट हमारा गिफ्ट अभी यहाँ पे नहीं है, जब भी होगा तब हम दिखाएंगे। मैं आ गई हूँ नीचे से ऊपर, उसके कपड़े वपड़े देखने गए थे हम, तो कहीं खैर नहीं जा पाए क्योंकि कुछ ले ही नहीं पाए, जाने ही नहीं हो पाया। वो भी लेट आए इनके भाई वगैरह, तो मैं किसके साथ जाती, इनकी छुट्टी नहीं। हम उसको बोल दिया है जब इनका ऑफ होगा तब पार्टी देंगे, तुम्हारे लिए कुछ खरीद के लाएंगे। अभी जो देना था वो दे आई, और बस मेरा भी काम धाम हो गया, ऐसे ही रहा। मैंने सोचा था स्पेशल उसे करने के लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसके सारे चीजें मैंने आप लोगों को दिखा दी, वहां पे अंधेरा था बहुत ज्यादा, लाइट बहुत स्लो स्लो लो लो हो रखी थी, तो यही सब था। मेरे को भी भूख लग रही है, पापा आ जाए उनको खाना लगा दे, 9:30 बज गया है। और मम्मी भी लेटी हुई है, आ जाए तो जल्दी जल्दी खाना पीना लगा के एक दो रोटी हम भी खा लेंगे, क्योंकि भूख लग रही है भयंकर वाली मेरे को अब। तो फिर अब एनी आएगी, थोड़ी सी मस्ती होगी, फिर वही रूटीन हमारा भाई। चलो फिर अभी थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे, ओके। सो मैं खाना लेके आ गई हूँ, ये देखो एनू को, आप लोग ध्यान से देखो, ध्यान से दिख रहा है। एक्चुअली आज एनू ने अपने आंखों में लगाया काजल, मैं काजल कभी इसके नहीं लगाती है क्योंकि डॉक्टर ने मना किया होता। काजल, लोगों की थिंकिंग है कि काजल से आंखें बड़े हो जाती हैं, ये हो जाता है, रोशनी तेज हो जाती है। यार वो कार्बन होता है, कार्बन बच्चे आंखों में लगाते हैं तो क्या उससे तेज होगा, लोगों की थिंकिंग है, पुरानी सोच है, इससे कहीं कुछ नहीं होता है। जो पुराने लोग हैं, पुराने ख्यालात हैं, वो ऐसे ही हैं। लेकिन इसके लगा दिया किसी ने, मेरे को नहीं पता किसने लगाया, घूमने जाती रहती तो किसी ने लगाया हुआ है। अच्छा लगता है इसके ऊपर काजल, अच्छा लगता है, बट
मैं उसी वजह से नहीं लगाती कि बच्चे को कार्बन क्या लगाओ यार। तो वही डिफरेंट मैं खाना ला के रख ली हूँ, भूख लग रही है मेरे को, एक रोटी सोच रही खा लो। एंड प्रीति के कुछ नहीं दे पाई मैं आज, तो सिर्फ खाली हाथ नहीं रखा जाता ना, तो उसके हाथ में कुछ रुपये पैर रख दिए मैंने। मैंने कहा खाली हाथ बर्थडे वाले दिन नहीं रखना चाहिए, कुछ दे देना चाहिए। मैं पार्टी भी नहीं दे पाई उसको, कुछ गिफ्ट भी नहीं दे पाया। अब जाएंगे जिस दिन इनका ऑफ होगा उस दिन इसको देंगे। तो अभी हम खाएंगे खाना क्या, एलोवेरा। ये तो वो हमको एलोवेरा दे रही है ले लो ले लो। तो अभी यानी के डायपर वगैरह चेंज करेंगे, 10 बज गया, 10:10 हो गया, खाना खाएंगे। मेरे हस्बैंड आएंगे तभी खाएंगे, आज तो चंद्रग्रहण पड़ रहा है, वही 3 बजे के टाइम खत्म होगा। तो खाना मैंने उतना ही लिमिट में बनाया है अप्रॉक्स, जितना खत्म हो जाए बचा हुआ खाना या फिर कोई भी सब्जी है किसी भी तरीके की चीजें नहीं खाई जाएगी। मैं आज सब चीज दूध दूध लेके रखे थे, रात में ही पी लेंगे। तो सारा काम फिनिश कर लिया, तो भगवान जी के भी दरबार तो रात में बंद हो ही जाता है, तो मैंने वो भी बंद कर दिया। बेटू ये नहीं करो, एलोवेरा निकाल निकाल के खा रही है, गंदी बात। तो बस वही सब है, चंद्रग्रहण पड़ रहा है, जो मतलब प्रेगनेंसी का टाइम जिसका चल रहा है उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है ये चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण, क्योंकि मेरे टाइम पे भी चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ था, एनी होने को थी। तो मैंने भी बहुत सारी चीजें यूज करी थी कि चाकू मत छुओ, ये मत छुओ, इससे मत कट करो, शांत रहो, भगवान का जाप करो। कहते हैं चंद्रग्रहण क्यों पड़ता है, चंद्रग्रहण इसलिए पड़ता है कि भगवान जी पे संकट पड़ते हैं ना, तब ये ग्रहण पड़ता है। जब भगवान जी पे संकट आता है ना तब ये ग्रहण होता है। तो वही है, बना दिया गया रूल्स ऐसा, मैं किसी और दिन बताऊंगी किसी और ब्लॉग में ग्रहण का आखिर रीजन क्या है, क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो चलो कल का ब्लॉग तो बहुत लंबा हो गया था, आज का ब्लॉग मैं नहीं सोचती हूँ कि ज्यादा लंबा हो, थोड़ा सा छोटा सा ही हो। चलती हूँ, एनी भी देखो ये पता है रो नहीं रही है, कैरी ये खुल नहीं रहा है ना, कैरी खोल दो। अब ये खुल गया तो देखो कैसे शांत होगी, टुकुर टुकुर देख रही है, देखो है हैप्पी हो गई। अब थोड़ा ठीक है, जिसके लग गई थी ना तो थोड़ा नॉर्मल हो गया, बाबा के साथ खेल के आ रही है। तो चलो गाइस मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग मेरा कल पहुंच जाएगा, आज नाइट में एडिट कर देंगे, कल पहुंच जाएगा है ना कल ही पहुंचा देंगे, आज ये पहुंचा कल वो पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो तो चलते हैं गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सब, बाय, सी यू।